हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे गुड लिविंग चैनल पे और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बरसात के इस मौसम में लगाने वाली सब्जियां। और इस मौसम में आप ये सब्जियां लगा सकते हैं जो जो मैंने आपके सामने रखी हुई हैं। धनिया और पालक अभी ना लगाएं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी सब्जियां हम लगा सकते हैं। ये घिया, ये गोल वाली घिया है, ठीक है, ये आप लगा सकते हैं। और ये खीरे के बीज, ये आप लगा सकते हैं, कुकुम्बर जिसे बोलते हैं। ये हैं मिर्चें, मिर्चें किचन में जो सूख गई थी ये भी आप सुखा के रख लें, उसके बीज स्प्रिंकल कर दें थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई करके और ये डाल दें। ये हैं फलियों के, ये हैं सेम की फली, और ये हैं तोरी के बीज, और ये हैं आपकी लेडी फिंगर यानी भिंडी, ठीक है। और ये पैकेट में मेरे गेंदे के बीज रखे हुए हैं, जो कि मैंने पिछली बार जो गेंदे लगाए थे उसके बीज मैंने बचा के रख लिए थे। ये आप अब भी ग्रो कर सकते हैं ताकि दिवाली तक आपके सुंदर सुंदर फूल आ जाए और उसके बाद में भी डाल सकते हैं। तो आइए हम लगाने चलते हैं अपने बीज। ये मैंने एक दो प्लांट इधर सूख गए थे तो ये जगह खाली हो गई थी, तो अब लगाते हैं। देख रहे हैं आप, मिट्टी थोड़ी भुरभुरी है, ना ज्यादा गिल्ली है ना ज्यादा सूखी है। ये बादाम के छिलके हैं जो कि बच्चे बादाम खाते हैं, मूंगफली के छिलके, सारे जितने भी छिलके होते हैं ना सारे मैं इसमें डाल देती हूँ, इनके धीरे धीरे खाद बन जाती है। केले का छिलका था सूखा हुआ, जो भी आप फ्रूट खाएं सब्जियां खाएं थोड़े सूखे से हों जिनके छिलके, वो आप अपने गार्डन में डाल दें। जो ज्यादा गिल्ले हों जिनको टाइम लगे कंपोस्ट बनने में, उनको आप अलग से कंपोस्ट बनाएं। और ऐसे मिट्टी की आप हल्की सी गुड़ाई कर लें धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी सी, जैसे मैं कर रही हूँ। देखिए इसमें ना ज्यादा ये गिल्ली है ना ज्यादा सूखी है, बारिश को इतनी ज्यादा हो नहीं रही है बल्कि बाहर ही रखा है, लेकिन फिर भी मिट्टी देखो कितनी ड्राई ड्राई है। तो अब हम ये अपने सीड लगाएंगे। इस वाले गमले में तो लगे हुए हैं तो पूरा भरा हुआ है, इसमें थोड़ी सी जगह खाली थी, मैंने कहा इसमें भी बीज लगा देती हूँ। थोड़े से बीज हम इसमें भी लगा देंगे और इससे आप भी इंस्पायर होंगे बीज लगाने के लिए और अपने घर को सुंदर सुंदर बनाने के लिए। इस तरह से हल्की हल्की मिट्टी की गुड़ाई कर देंगे और आपके जो भी छिलके घर में किचन में, जैसे लहसुन के छिलके हैं, प्याज के हैं, मूंगफली के, तो अभी सर्दियों में आएंगे, बादाम छिलते हैं बच्चों के लिए, बादाम के छिलके हैं, इन सब के छिलके इसमें डाल दें। अब नींबू निचोड़ते हैं, उसके बीज बच जाते हैं, है ना, पपीते के हुए, अनार के हुए, किसी भी चीज के बीज हो, आप अपना किचन में उठा उठा के एक छोटी सी ट्रे रख लें, उसमें रखते जाएं और जब भी आप अपने गार्डन में आए बाहर उन बीजों को थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें डाल दें और थोड़े दिन में देखेंगे आप वो स्प्राउट करना शुरू कर देंगे। अभी तो वैसे ही बरसात का मौसम है ना, हर चीज वैसे ही जल्दी से स्प्राउट कर जाएगी, जैसे जामुन की गुठली होगी, आम की गुठलियां होगी, है ना। किसी भी चीज का सीड आप ऐसे ना फेंकें, अपने गमलों में अपनी क्यारी में डाल दें। तो इस तरह से जैसे मैंने मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सा इसकी गुड़ाई कर ली है, ऐसे आप भी करें। बीच में प्लांट लगे हुए ना, थोड़ा बचा बचा के करना पड़ रहा है, छोटे छोटे प्लांट लगे हुए हैं, अभी एक दो बेल भी लगी हुई है, पर्सलेन के लगे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपनी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लें और जिस भी चीज के बीज आपके पास है वो लगा दें। अभी वो जो पत्ते वाली सब्जियां खाने वाली हैं उनको ना लगाएं, पालक जो हो गया, धनिया हो गया, उनको थोड़ा सा बरसात कम हो जाए ना अगस्त के बीच में लगा लेना, मिड अगस्त में। अगर अभी लगाएंगे तो उसके पत्ते इतने सुंदर नहीं आएंगे और जैसे कीड़े नहीं खा जाते बीच बीच में से, वो वाले पत्ते निकलेंगे। मूली भी अभी ना लगाएं, मूली अगर लगा देंगे हो तो जाएगी लेकिन उसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आएगा और ना ही उसके पत्ते इतने सुंदर होंगे। तो आप मूली अगर सर्दियों के लिए लगाएं तो सितंबर में लगाएं। अभी जो ये सब्जियां हैं बेल वाली, यही लगा सकते हैं बस आप। पहले भी मैंने उन और गमलों में भी लगा रखे हैं, वो तो सारी हो गई हैं, ये थोड़ी सी जगह खाली थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कहा सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा सा मैं सुबह उठ के गार्डनिंग का करती हूँ काम, तो मैंने कहा जो भी मैं लगा रही हूँ अपने भाइयों बहनों के साथ शेयर कर लेती हूँ ताकि उन्हें भी नॉलेज हो जाए इस चीज की, और दूसरा देखने से वो भी इंस्पायर हो और इस तरह से अपने घर में भी अपनी क्यारियों में बीज लगाएं। तो आइए चलते हैं। सारी मिट्टी हमने सारी मिट्टी गुड़ाई कर ली है इस तरह से और अब हम अपने बीज लगाते हैं। बीज लगाने का ऐसा कोई तरीका नहीं है, बस अपना बीज इसमें डाल देने हैं, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देती हूँ कैसे ऊपर की तरफ उसका मुंह रखना है। ऐसे अपने सारी अपनी मिट्टी भुरभुरी कर लेनी है, ठीक है। देखिए इसमें सारी ये खाद बन गई है, देखो जितने भी मैंने छिलके विलके डाले थे, है ना, सब ये प्लांट के फूड का काम करेंगे।
हमारे लिए तो वेस्ट है, हमने डस्टबिन में डालना है, डस्टबिन में जाके होगा होगा क्या, इससे अच्छा अपनी क्यारियों में डालें, अपने गमलों में डालें, ताकि आपकी मिट्टी और भी अच्छी पौष्टिक हो जाए, साथ साथ आपकी कंपोस्ट भी बन रही है और आपके प्लांट भी हरे भरे हो रहे हैं, उनको भी बढ़िया सा फूड मिल रहा है खाने के लिए, है ना। और धीरे धीरे ये सब आपकी कंपोस्ट बन जाएगी और आपके प्लांट में और कोई भी फर्टिलाइजर या कोई भी बाहर से चीज लाने की जरूरत नहीं है, ना डालने की जरूरत है। जो भी आप घर के किचन वेस्ट से निकला हुआ ये कूड़ा है, ये सारा इसमें डाल दें, डस्टबिन में ना डालें, ना फेंकें। और जो बड़े बड़े छिलके होते हैं जो सब्जियों के हुए, इनका भी मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे कंपोस्ट तैयार कर रही हूँ। अभी हम ये सीड लगाएंगे, अभी हमें जो जो हमने सीड लगाने हैं दो दो तीन तीन रख लेते हैं। ये तोरी के हैं, ये घिया के हैं, इस तरह से आप भी अपने घरों में सीड लगाएं और थोड़े दिन में देखेंगे आप उनमें से छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे निकलेंगे, आपको देख के इतना अच्छा लगेगा उनको, और फिर वो बड़े हो जाएंगे, उनमें फूल आएंगे, फूल से फिर फल बनेंगे। और ऐसे किचन का आप कोई भी वेस्ट ऐसे वेस्ट ना जाने दें। चाय की पत्ती होगी, चाय की पत्ती से तो कंपोस्ट बनाना सिखाया था ना मैंने, वो भी आपने अच्छे से किचन में धो के, बादाम के छिलके हो गए, है ना, पूजा के फूल हो गए आपके पहले दिन वाले सूखे हुए, ये सारी चीजें आपने मिला के अपनी कंपोस्ट तैयार कर लेनी है। और इस तरह से आपने मिट्टी में अपने बीज लगा देने हैं। जो इसका मुंह है ना, ये देखो ऐसे जैसे ट्रायंगल शेप है, ये जो भीड़ा वाला हिस्सा है ये आपने ऊपर की तरफ रखना। वैसे आप कैसे भी रख सकते हैं, स्प्राउटिंग हो जाएगी। मैं वैसे बता रही हूं कि इस तरह से निकलता है ये पौधा ऊपर की तरफ से, ऐसे आपने थोड़ी थोड़ी दूरी पे, क्योंकि ये ना फैलने के बाद पूरा काफी फैलती है, ये आपने थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाना है। घिया है ना, ये घिया के पत्ते काफी चौड़े होते हैं। और ये फलियां हैं आपकी, बीच में ये भी लगा दें थोड़ी थोड़ी दूरी पे, जो निकलेगा निकल आएगा, नहीं निकलेगा तो नहीं सी, कुछ तो निकलेगा, ऐसा तो नहीं है कुछ ना ही निकले, कुछ तो निकल के आएगा ही। और वो जो भी निकलेगा बहुत सुंदर होगा और आपके ऐसे गार्डन में सब्जियां भी तैयार हो जाएंगी। मैं सब्जी और फूल सारे मिक्स कर देती हूँ, ऐसा नहीं है मैं सब्जी सब्जी लगा रखी है। देखो इसमें फूल भी लगे हुए हैं और मैं गेंदे के भी बीज इसमें ही डालूंगी। गेंदे के बीज इनके साथ डालने से क्या होगा कि इंसेक्ट्स जो है सब्जियों पे बिल्कुल नहीं लगते, ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड का काम करेगा और आपकी फलों पे और सब्जियों पे कोई भी इंसेक्ट नहीं लगेगा, ये इंसेक्ट्स को दूर रखते हैं। और ये साइंटिफिक वे है, मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि फल और सब्जियां और ये फूलों के इकट्ठे लगाने से ना जो इंसेक्ट एक पर्टिकुलर प्लांट पे अटैक करते हैं ना, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि हमें कहाँ अटैक करना है। और इसलिए आपके प्लांट जितने भी हैं, फूलों के हैं, फलों के हैं, सब्जियों के हैं, वो इंसेक्ट फ्री रहते हैं। इस तरह से आप भी जैसे भिंडी के लगा रही हूँ मैं, ये ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप अपने लगा देंगे। ये भिंडी के ज्यादा ऊंचे नहीं होंगे ना, नीचे नीचे होंगे, और जो बेल वाले होंगे वो अपना लंबे होके दूर तक चले जाएंगे। और आपका ये पूरा का पूरा पॉट सारा सब्जियों से भर जाएगा। अब इसमें गेंदे के लगाएंगे, हमारे गेंदे के फूल ही तैयार हो जाएंगे और सब्जियों को हम तोड़ के खा लेंगे, फूलों को हम भगवान जी पे चढ़ा देंगे, दिवाली तक हमारे ये पौधे तैयार हो जाएंगे। तैयार होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। ऐसे आप थोड़े थोड़े दिन में ना, ये कोई सीजन नहीं होता ये लगाना है वो लगाना है, जैसे मौसम अच्छा है, सर्दियों के भी फूल अपना थोड़े से लगा दें, आपके पास बीज रखे हो तो, या नहीं रखे हो तो मार्केट से आप ले आए, अभी आधे बीज छोड़ दें, आधे आप लगाए सेप्टेम्बर में जो सर्दियों वाले फूल हैं, और थोड़े थोड़े से अब लगा दें, होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो ठीक है। जैसे जीनिया हो गया, बालसम हो गया, और कौन से हैं, सलोशिया हो गया, कॉक्सकॉम बोलते हैं जिसको, मुर्गा कलगी, ये वाले लगा दें, गेंदे के लगा दें, मैरीगोल्ड जिसे बोलते हैं, ये मैंने राजमा जो हम घर में नहीं बनाते किचन में वो डाले थे, ये बैंगन का है, ब्रिंजल, ये बीच बीच में सारे साथ वाला है इसका, इसमें भी थोड़े नीचे जगह लग रही है मुझे, इसमें भी थोड़े से बीज में खीरे के डाल देती हूँ, ये नीचे इसके फैले हुए ना, वो खीरे की बेल तो दूर चली जाएगी नीचे से निकल के। ऐसे आप भी करें, पूरा आपका पॉट भरा हुआ लगेगा, बेल वाले भी लगा दें, जो छोटे प्लांट है वो भी लगा दें, सारे मिक्स कर दें, ऐसे मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें वो पूरा लग गए थे उसमें सीड, अभी साइड में भी थोड़ी सी जगह बाकी थी दूसरे वाले पॉट में, इसमें भी हम ऐसे मिट्टी की थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करके, देखो इसकी मिट्टी भी कैसी भुरभुरी है,
है ना। ऐसे ही आपने भी मिट्टी तैयार रखनी है अपनी और अपने घर को हरा भरा रखना है। बीच में प्लांट लगे हुए ना, थोड़ा बचा बचा के, कभी वो नए लगाने के चक्कर में जो बेचारे लगे हुए हैं उनके रूट ना खराब हो जाए। अभी छोटे छोटे हैं ना सारे, ये लगे हुए, ये भिंडी के लगे हुए हैं, ये वो राजमा जो हम घर में बनाते हैं वो था, देखो कितना बड़ा हो गया ना। ऐसे आप भी घर में, हमारे मसाले कितने सारे हैं, सौंफ होगी, अजवाइन होगी, मेथी दाना हो गया, अच्छा धनिया, साबुत धनिया हो गया, वो लगा दें। अब इस धनिया तो खैर मत लगाएं, और अपना ऐसे डाल दें और आपके ऐसे मिट्टी में इसको मिक्स कर दें। भगवान जी करेंगे बारिश हो जाएगी तो जल्दी से निकल आएंगे, नहीं तो ना पानी देंगे। अभी थोड़ा मॉइस्चर है इसमें इसलिए पानी देने की जरूरत नहीं है। बादल भी हो रहे हैं सुबह सुबह, क्या पता बारिश आई जाए, नहीं आएगी तो मैं शाम को दे दूंगी। घटा सी तो हो रही है, काले काले बादल आ रहे हैं, आगे तो नेचुरली आ जाएगा इनमें पानी, नहीं तो फिर नहीं आएगी तो बारिश में अपना शाम को इसमें दे दूंगी। तो इस तरह से देखा आपने, आओ मैं अपना एक एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ आपको। मैंने अभी गर्मियों की छुट्टियों में किया था वो अपने घर जाने से पहले, और अब इसमें मिक्स कलर के फूल आ रहे हैं। जब से मैं घर से आई हूँ ना मैं इसमें देख रही हूँ, अभी तो देखो मैं आपको, अभी दो ही निकले हैं इसमें। अपनी बोगनविला पे मैंने पिंक कलर के फूल की जो है ना वो मैंने व्हाइट कलर के बोगनविला पे चढ़ाई थी, देखो अब एक ही डंडी पे दो कलर के फूल आ गए, है ना, आ गए ना, हो गया एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। ऐसे आप भी गार्डनिंग में नए नए एक्सपेरिमेंट करें, और ये जब छोटी छोटी चीजें होती है ना आपको बड़ा अच्छा लगता है ना, किसी बड़ी खुशी के इंतजार में ना रहे, ऐसे छोटे छोटे चीजों से अपने दिन को अच्छा रखें, खुशनुमा रखें, और अपने गार्डनिंग के आइडियाज को और बढ़ाएं, और इसी तरह से गुड लिविंग चैनल पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच।